आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बड़ी तादाद जो है वह यहाँ पर आई है, नारेबाजी की जा रही है उनकी जानिब से। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, अमेरिका के यारों को एक धक्का और दो, मुल्क के सरदारों को एक धक्का और दो। काला कोट है, कौन तेरा वोट है? ये जो काला कोट है, कौन तेरा वोट है? ये जो काला कोट है, कौन तेरा वोट है? ये जो काला कोट है, कौन तेरा वोट है? 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 इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम छीन के लेंगे आजादी, तेरे बाप भी देगा आजादी, पंजाब भी मांगे आजादी, बलोच भी मांगे आजादी, कश्मीर भी मांगे आजादी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किए जाने का जो सिलसिला है उसका बाकायदा तौर पर जो है वो जारी है, और आपके सामने यहाँ पर देखने में आ रहा है कि यहाँ पर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं पुलिस की जानिब से, और ये देख रहे हैं कि सिविल कपड़ों में पुलिस जो है वो उनको गिरफ़्तार किया जाता है। यहाँ पर 144 का जो है नफाज किया गया है और उसकी उस पर अमल दरामद जारी है, और पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है, और एक एक करके उनको प्रिजन वैन में जो है वो बिठाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, जी तो आपने ये मनाजिर देखे, और इससे कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक जो है बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी, और ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को देख सकते हैं। इससे कबल आप देख रहे थे कि इमरान खान जो है वो इमरान खान के वकला जो है वो बड़ी तादाद में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो पुलिस की जाने से एक एक करके गिरफ़्तार किया जा रहा है, और ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो कारकुनान हैं वो मैंने इनको बार बार कहा ये बच्चा मेरे साथ है, इसका ताल्लुक चित्राल से है, मेरे साथ खड़ा था, मैंने बार बार कोशिश की, इस बच्चे को ऐसे घसीटा गया जिस तरह मेरे ख्याल में किसी दहशतगर्द के साथ भी ये सलूक नहीं होता है। मुझे इन्होंने धिक्का दिया, मैं एक खातून हूँ, मैं सेनेटर हूँ, अपर हाउस से मेरा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक पीटीआई से, यही मेरा कसूर है। आप मीडिया वाले इसको हाईलाइट करें, एक सेनेटर के साथ एक बच्चा था, उसको घसीटा, बुरी तरह मारा गया। इस्लामाबाद पुलिस जिस तरीके से नारावा सलूक इस बच्चे के साथ किया, मेरे ख्याल में तारीख में इसकी मिसाल मकबूजा कश्मीर में भी और फलस्तीन में भी नहीं मिलता है। जी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो मज़ामत शो कर रहे हैं पुलिस के आगे, और उनसे जो कारकुनान हैं उनको रिहा करने का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, और ये आप देख रहे हैं कि बरह रास्त मनाजर यहाँ से आप देख रहे हैं। बच्चों को निकाले, मुझे भी ले ले, मैं
उसके साथ जाने के लिए तैयार। वो छोटा बच्चा उसको निकाले, उसको निकाले, छोटे बच्चे को निकाले, बाहर निकाले, छोटे बच्चे को था उसको निकाले। गैरकानूनी की जा रही है, गैरकानूनी लोगों को हरासा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर कोई लोग जो है वो पुरुष यहाँ पर पुलिस जो है आप देख सकते हैं कि एक और शख्स यहाँ पर पुलिस वैन जो है वो उनको लेके जाया जा रहा है और पुलिस की जानिब से ड्राइवर जो है वो बिठा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो मज़ाहमत शो कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि प्रिजन वैन को जो है वो लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो प्रिजन वैन में गिरफ़्तार कर लिया गया था, उनको यहाँ पर डालकर। और अब जो है ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो प्रिजन वैन के आगे लेट गए हैं और मज़ाहमत शो की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, और प्रिजन वैन को नहीं लेके जाया जा रहा, लेके जाने दिया जा रहा। आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया है, प्रिजन वैन के आके लेट गए हैं और पुलिस की जानिब से कारकुनान को प्रिजन वैन में लेके जाया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की जा रही है। और आप ये देख रहे हैं कि तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने यहाँ पर मज़ाहमत कर लिया है, यहाँ पर पुलिस वैन के आगे जो है वो लेट गए हैं और आप ये तमाम मनाजर जो है वो अपने आँखों से देख रहे हैं। प्रिजन वैन जो है वो लेके जाई जा रही है और यहाँ पर जो है वो एक कारकुनान की जानिब से आप ये देख रहे हैं कि ये प्रिजन वैन में शोर मचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आज़ाद किया जाए, ये आप देख रहे हैं। प्रिजन वैन जो है उसको लेके जाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से मुकम्मल तौर पर इसमें मज़ाहमत की गई, लेकिन पुलिस कामयाब हो गई है प्रिजन वैन लेके जाने में और दूसरी वैन जो है वो भी उसको तैयार रह रही है, उसको लेके जाने की कोशिश की जा रही है। आप ये देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि प्रिजन वैन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रिजन वैन को पुलिस की जानिब से लेके जाया जा रहा है और ये वकला एक बार फिर प्रिजन वैन के आगे जो है वो लेट गए हैं और पुलिस की जानिब से वकला को हटाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो है वो ये एक्सक्लूसिव मनाजिर जो हैं वो आपके सामने हैं, वकला की जानिब से इस वैन को नहीं जाने दिया जा रहा और ये आपके सामने जो है ये तमाम मनाजिर आपके सामने हैं। पुलिस वैन जो है वो लेके जा रही है, ये देख रहे हैं प्रिजन वैन जो है वो पुलिस लेके जाने में एक बार फिर से कामयाब होगी और इन तमाम कारकुनान को पुलिस की जानिब जो है वो लेके जाया गया। यहाँ पर वकला जो है वो इन प्रिजन वैन को ले जाने में मज़ाहमत करते रहे, लेकिन पुलिस जो है वो एक बार कामयाब हो गई उनको लेके जाने में। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वकला की जानिब से पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है और आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वैन के आगे लेट गए और वैन को रोकने की कोशिश की गई। आप
ये देख रहे हैं कि जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो बसेज़ हैं वो गुजर रही हैं, तो यहाँ पर तलबा जो हैं वो बड़ी तादाद में नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के, IIPTI के नारे जो हैं वो तलबा की जानिब से लगाए गए हैं। इससे पहले एक यूनिवर्सिटी की, निजी यूनिवर्सिटी की बस गुजरी, उसमें भी जो तलबा थे उन्होंने भी नारे लगाए। इस वक्त एक कॉलेज की बस गुजरी, यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के नारे लगाए जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं।